आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 16, परमिटेशंस एक्सरसाइज है 16.5। अगला जो सवाल है इसमें है मधुबनी, हाउ मेनी परमिटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मधुबनी डू नॉट बिगिन विथ एम बट एंड विथ वाई, यानी ऐसे कितने फॉर्मेशंस है इसमें कि ये M से शुरुआत इसकी नहीं होगी लेकिन I से एंड होगा। तो इसके लिए क्या तकनीक अपनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे फॉर्मेशन जिसमें भी ये I से एंड होगा, मतलब M उसमें स्टार्टिंग में आएगा नहीं आएगा कुछ भी आ सकता है, लेकिन I से एंड होना चाहिए। ये पूरा हो गया, मान लीजिए 10 आया। अब हम निकालेंगे ऐसा जिसमें वो M से स्टार्ट हो रहा है और I से एंड हो रहा है, M से स्टार्ट हो रहा है और I से एंड हो रहा है। मान लीजिए ये 5 आ गया, इन दोनों को हटा देंगे, 10 में से 5 हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो शब्द मिल जाएंगे, वो परम्यूटेशन मिल जाएंगे जिसमें वो M से स्टार्ट नहीं हो रहा है, M से स्टार्ट नहीं हो रहा है लेकिन I से एंड हो रहा है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड्स विथ आई। अब आई तो आपने फिक्स कर दिया, कुल मिला के कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, आई आपने फिक्स कर दिया तो बचे 8। तो फैक्टोरियल 8 यानी 8p8, 8 को अरेंज करना है, 8 को एक लेके टेकिंग अरेंजिंग 8 ऑल एट अ टाइम, तो 8p8 फैक्टोरियल 8 होता है, फैक्टोरियल 8 तो ले लिया हमने, आई को छोड़ दीजिए तो ए दो बार आ रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट होगा 20160। अब हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे एम से और एंड करेंगे आई से, इसका मतलब आपने 2 फिक्स कर दिए, यहां कितने बचते हैं 7, ये 2 हटा दिए, 9 में से 2 हटा दिए तो बचे 7, ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहां 7 हो गया। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास 7 जगह है और 7 जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि लेटर्स हैं, तो 7p7 हो गया फैक्टोरियल 7, लेकिन इसमें भी यही बात है कि a दो बार आ रहा है, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो अब हमको वो निकालने हैं, ये हमने निकाला जिन जो आखिर में एंड हो रहा है i से, ये हमने निकाला वो सारे वर्ड जो m से शुरू हो रहे हैं और i से एंड हो रहे हैं। अब हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे जो M से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन I से एंड हो रहे हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20160 माइनस 2520 ये आपका आएगा 17,640। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, एक मिलियन होता है 10 लाख, That can be formed with the digits. Digits आपको दिए हैं 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट्स है। अब 0 तो पहली जगह पे हो नहीं सकता, 0 पहली जगह होगा नहीं। अब 0 अगर पहली जगह पे नहीं है तो हमको बाकी कितने बचते हैं, 0 को अगर हटा दीजिए, 0 नहीं आएगा यहां पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनते हैं यहां पे, 0 यहां नहीं है तो फैक्टोरियल 6 हो गए। लेकिन अब इसमें देखिए 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, यानी टोटल नंबर कितने हो गए जिसमें 6 डिजिट होंगे, नंबर ऑफ 6 डिजिट जिसमें यहां 0 इस जगह पे 0 आ रहा है, आपने 0 फिक्स कर दिया, बाकी बचते हैं 6, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, तो ये सारी संख्या होगी जिसमें 0 स्टार्टिंग में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि सारे के सारे फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, चाहे 0 आए ना आए, यानी कुल मिला के कितने 7, फिर यही बात हो गई कि 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये कुल मिला के संख्या गई किसकी, ये आएगी करीबन 420, ये कुल संख्या है चाहे 0 आए, सारे फॉर्मेशन ले लिया आप, ये वाले फॉर्मेशन है जिसमें 0 स्टार्टिंग में आ रहा है, 0 स्टार्टिंग में आ रहा है, इसका मतलब ये 60 है,
इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो ग्रेटर देन 1 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर है, और जीरो को हटा लेना अब इससे, अगर जीरो यहां पर आ गया तो 1 मिलियन से ऊपर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 1 मिलियन से 10 लाख से ऊपर है, तो बस यहां पर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 360 आ जाएगा, यही इसका उत्तर है। देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन अ शेल्फ। अब 3 कॉपी है 4 अलग अलग बुक की, तो 4 बुक है, ये मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 4 बुक है, इसकी 3 कॉपी है, इसकी 3 कॉपी है, इसकी 3 कॉपी है, इसकी 3 कॉपी है, यानी 4 थी 12, 12 आपके पास बुक्स हो गई, टोटल कुल मिला के 12 कॉपीज हो गई। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, 12 फैक्टोरियल 12 हो गया, 12 P 12 हो गया, लेकिन अब इसमें जो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, सबके 3 3 कॉपीज हैं, मतलब रिपीटेड है वो, तो फैक्टोरियल 3 पहले के लिए, फैक्टोरियल 3 दूसरे के लिए, फैक्टोरियल 3 तीसरे के लिए, फैक्टोरियल 3 चौथे के लिए, इसको सॉल्व करेंगे 12 by factorial 3 power 4, इसी ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए, यही आंसर है इसका। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स से कितने बना लेंगे आप, मैथमेटिक्स में कुल मिला के है 11 लेटर्स, तो सीधा है 11 को 11 लीजिए तो 11 P 11 हो गया, यानी आपका फैक्टोरियल 11 हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से रिपीटेड है, m 2 बार है, फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, a 2 बार है, फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, t 2 बार है, फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, तो ये तो सारे सारे फॉर्मेशन हो गए जिसमें आपने 11 को 11 लिया और 11 एट अ टाइम लिया और अरेंज किया इसको। हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद सी, अब सी से बिगिन करना है, तो जब आप सी को फिक्स कर देंगे पहली जगह तो यहां बचती है बाकी 10 जगह, तो 10 ही रह गए, तो 10 P 10 यानी कि फैक्टोरियल 10, लेकिन अभी भी ये एम का रिपीटेशन, ए का रिपीटेशन, टी का रिपीटेशन तो है ना, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो गया दूसरे का उत्तर। फिर हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद टी, चाहे आप सी से शुरू करें चाहे टी से शुरू करें, इट डजंट मैटर, लेकिन एक चीज है, अगर आप टी से शुरू करते हैं तो फैक्टोरियल 10 तो बनेगा क्योंकि बाकी जब एक ले लिया 11 में से तो 10 P 10 हो गया, लेकिन अब टी आप एक ले चुके हैं तो रिपीटेशन टी का नहीं रहा, अब टी का रिपीटेशन नहीं रहा, एक ले चुके हैं ना, अब टी एक ही बार आएगा बाद में, यहां पर जो हम बाकी संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एम और ए तो रिपीटेड है ही, तो 2 बार फैक्टोरियल 2 आएगा नीचे, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें, अ बायोलॉजिस्ट स्टडीइंग द जेनेटिक कोड इज इंटरेस्टेड टू नो द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स इन अ चेन। द चेन कंटेन्स 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉर एडीन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, टी फॉर थाइमिन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड। हाउ मेनी डिफरेंट सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो ये जो है हर हर एक के, जैसे टोटल मॉलिक्यूल बताए गए हैं 12 है, अब 4 है किस किस के, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ए सी जी और टी एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच काइंड, सबके 3 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 12 कैसे आया, 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल 3 है, तो 4 3 12 12 कुल संख्या आ गई, तो फॉर्मेशन कैसे बनेंगे, फिर मिला के 12 लीजिए 12 एट ए टाइम अरेंज कैसे करेंगे इसको, 12 P 12 यानी कि फैक्टोरियल 12 आ गया, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल 3 बार रिपीटेड है, तो बस हर एक के लिए आप फैक्टोरियल 3 रिपीटेशन है ना, इसे डिवाइड कर दिए, ये उत्तर आ जाएगा, ये 369600। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 red 3 yellow 2 green disc can be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable। इसका मतलब आपके पास 4 R repeated है, 3 Y repeated है, 2 G repeated है, कुल मिला के कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 9 disc हो गई, तो factorial 9 हो गया, 9 है, 9 at a time इसका arrangement हो जाएगा,
फैक्टोरियल 9, लेकिन रिपीटेशन ये चार है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करिए, इसमें रिपीटेशन है फैक्टोरियल 3 है, इसमें रिपीटेशन फैक्टोरियल 2 है, इसका इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी संख्या आएगी 1260। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 1,00,000। 1, 2, 3, 4, 5 1,00,000 के लिए होता है, ये 1,00,000 हो गया। अब हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4। अब इसमें हमको करना क्या है, जो हम ऑलरेडी पहले एक बार कर चुके हैं, ये सेम चीज है कि 1,000,000 की बात की थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारे फॉर्मेशन बना लेते हैं, सारे फॉर्मेशन बना लेते हैं जितने भी बन सकते हैं। कितने हैं इसमें, 7 हैं, 7 के साथ ले लीजिए आप, अरेंज कर लीजिए इनको, तो 7p7 हो गया ये, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7। लेकिन रिपीटेड कितने हैं, 2, 3 बार रिपीटेड है, ऐसे ही 4, 2 बार रिपीटेड है, तो ये संख्या आ गई आपकी 420। अब हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम रख देंगे 0 और हम वो निकालेंगे जिसमें स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, क्योंकि 0 जैसी आ गया तो ये इस संख्या से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब इससे कम हो जाएगा, तो ये संख्या हमें हटानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में 0 है, इसके बाद कितने बचते हैं, 6, 6p6, 6 लीजिए, 6 एट ए टाइम, क्या फॉर्मेशन रहेगा, फैक्टोरियल 6। रिपीटेशन क्या क्या है, 0 ले लिया, फिर से 2, 3 बार है और 4, 2 बार है, ये कितना आ गया, 60। ये पूरी संख्या हो गई, ये वो संख्या हो गई जिसमें 0 स्टार्टिंग में आता है, जो हमारे हमारे प्रॉब्लम को मतलब हमारी प्रॉब्लम के विरुद्ध है, यानी ये हमें 1,000,000 तक नहीं पहुंचाएगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 60 से घटा देंगे, तो 420 से 60 घटाएंगे तो 360 आएगा, यही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर, सारे एस साथ में आने हैं, तो कितने एस है, पहले देखिए इसमें कुल मिला के है असैसिनेशन में 13 लेटर, इन 13 लेटर में हमको देखना है कि एस कितने हैं। ठीक, हम पूरा क्या करेंगे, ये 13 लेटर हो गए, इसमें हम एस को एक साथ रख लेते हैं, कितने एस है इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 एस है ना, 4 एस है, 4 अगर एस ले लेते हैं आप इसमें से, तो एक पोजीशन तो इन एस की बन गई, बाकी कितनी पोजीशन बनती है, अगर आप 4 उठा लेते हैं इस 13 में से तो 9 बनती है, 9 पोजीशंस बनती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पोजीशन हो गई, एक इसकी पोजीशन हो गई, तो कुल मिला के 10 पोजीशन है। अब इस एस को छोड़ दीजिए, एस पूरे एस को मैं एक मान लेता हूं, तो ये जैसे पोजीशन बनाई ना, इसको आप एक पोजीशन ही मानिए, इसको हटा दीजिए, अभी एक पोजीशन मानिए, तो आपके पास 9 + 1, 10 पोजीशन होगी, 10 में आपको 10 एक साथ ले रहे हैं और अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो 10p10 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 10। अब आइए आप इसमें क्या क्या रिपीटेड है, पहली चीज तो देखिए कि 3 आपके ए आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, एस तो आपने साथ में ले लिया तो इसका कुछ नहीं करना है, 2 बार आई आ रहा है ये ले लीजिए, और 2 बार एन आ रहा है ये भी ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, ये आपका आएगा 1, 5, 1, 2, 0, 0। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर है, तो 9p9 तो पहले पूरी संख्या हो गई जो आप सारे को एक साथ लेके अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 9 हो गया। अब रिपीटेशन देख लीजिए, आई 1, 2, 2 बार आ रहा है आई, इसी तरीके से टी देखिए 1, 2, 3, 3 बार टी आ रहा है, और कुछ रिपीटेशन नहीं है, बस फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इसका उत्तर है। फिर अगली जो चीज है, the letters of the word Suriti are written in all possible orders and these words are written out as in dictionary, find the rank of the word Suriti, इसका मतलब ये है कि आपने सुरीति लिखा और जितने भी फॉर्मेशन है उनको ऐसे ऐसे करके एक डिक्शनरी के तरीके से लिख दिया,
अब डिक्शनरी में जब आपने लिखा तो फिर आपने देखा कि ये जो एक वर्ड आ रहा है जिसको हम कहते हैं सुरीति, ये जो खुद का ये जो सुरीति है ये किस जगह पे आएगा। जैसे मैं आपको कहूं ए बी सी या ए बी ले लीजिए, तो ए बी इसका फॉर्मेशन क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी और बी बी ए, ए बी के फॉर्मेशन में बी ए का रैंक क्या है, तो वन टू सेकेंड रैंक हो जाएगी। तो ये इस तरीके से निकालना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। तो सबसे पहले हम देखिए कि ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के में अगर आप लें तो क्या क्या आता है, पहले क्या आता है। हम आई से शुरुआत करते हैं, आई से शुरुआत करते हैं, बाकी को हम अरेंज करने लगते हैं। तो आई से शुरुआत करते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई, सबसे पहले आई आता है ना, इसलिए आई से शुरुआत करते हैं। आई यहां पर फिक्स कर दिया आपने, बाकी कितने बचते हैं, ये कुल मिला के कितने हैं, छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो पांच पोजिशन बनी, एक दो तीन चार पांच, तो फैक्टोरियल फाइव इसका हो गया। और क्योंकि आई फिक्स किया आपने, और क्योंकि एक बार आई और है तो इसका जो भी फॉर्मेशन बनेगा जिसमें आई फिक्स कर दिया, लेकिन आई यहां पर बन रहा है, पहले तो फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल फाइव हो गया, अब ये सीधा फैक्टोरियल फाइव हो गया, ये फैक्टोरियल फाइव कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि आई आपने फिक्स कर दिया ना, तो अगला आई से इसका मतलब नहीं है, फिर रिपीटेशन नहीं होगा, तो ये 120 हो गया पहले। अब आपने जब आई स्टार्ट किया, अब हम आते हैं एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर, अब आर आर था, आर को फिक्स कर दिया, अब आपके फिर पांच बनते हैं, आर फिक्स कर दिया तो पांच जगह बनी। अब इन पांच में ये भी फॉर्मेशन इनका फैक्टोरियल फाइव होगा, लेकिन इसमें क्या है, फैक्टोरियल फाइव में आई आ रहा है, यहां आई आएगा दो बार तो फैक्टोरियल टू कर दीजिए। तो जब हमने आर को फिक्स किया तो 60 आ गया आर। अब ए बी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस आर एस, इसके बाद आप आइए एस पे, एस पे आ जाइए। तो एस में क्या होगा, जब आप एस से शुरुआत करेंगे तो भी यही बात रहेगी, एस से शुरुआत करेंगे तो पांच फॉर्मेशन बनते हैं आगे के, और यहां पर आई आएगा कहीं ना कहीं दो बार, तो फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल टू, तो ये इसकी भी संख्या यही होगी, फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल टू, तो 120 ये हो गया 60। अब फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल टू में एस स्टार्टिंग में है, लेकिन आप ये देखिए कि इसी में सुरीति भी आएगा, हमको सुरीति की रैंक पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस रखेंगे। अब एस के बाद क्या आना है, कौन सा आएगा, एच आई, सबसे पहले आई आता है तो एस आई हो गया। अब वो वर्ड जिसमें एस आई से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो एस और आई अगर आपने फिक्स कर दिया तो बाकी बनते हैं एक दो तीन चार, इसमें आई रिपीट नहीं हो रहा, तो फैक्टोरियल फोर हो गया ये एस आई। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे एस आर करेंगे क्योंकि आई के बाद आर आर आता है, एस सब में फिक्स कर दीजिए पहले स्टार्टिंग में, आई फिर आर फिर आपके चार कॉम्बिनेशन बने, लेकिन ऐसा आ रहा है इसका इसका मतलब यह है कि आई दो बार यहां कहीं ना कहीं आएगा, तो फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू, क्योंकि आई दो बार आएगा यहां पे, फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू 12 हो गया। अब आइए आप एस टी यहां फिक्स कर दीजिए, टी फिक्स कर दीजिए, तो यहां पर क्या होगा, एस टी है तो इसका मतलब फिर चार आपके पास पोजिशन है, लेकिन आई दो बार कहीं ना कहीं आएगा, तो फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू 12 हो गया। फिर आप आइए, ये आपने एस टी तक कर दिया, अब आप आइए एस यू आई पे, एस यू आई पे, एस यू आई का फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि इसके बाद तीन बचते हैं, क्योंकि आई ले लिया है तो रिपीटेशन नहीं होगा, ये तीन है तो फैक्टोरियल तीन हो गया 6। अब बात यह है कि आपका ये जो शुरुआत होती है वो एस यू आर से, सुरीति एस यू आर से होते हैं। अगर हम एस यू आर फिक्स करते हैं तो देर आर फैक्टोरियल थ्री, एक दो तीन एस यू आर, यहां पर तीन है लेकिन दो बार आई आएगा, तो फैक्टोरियल थ्री, दो बार आई आ रहा है, फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू, ये एस यू आर के लिए हो गया, सुरीति के लिए हो गया। तो इसका मतलब द फर्स्ट वर्ड बिगिनिंग विथ एस यू आर इन द वर्ड सुरीति एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, मतलब एस यू आर आई आई टी आएगा, पहले देखिए ये सुरीति में आई आई टी हो सकता है या फिर आई टी आई हो सकता है, दो फॉर्मेशन हो गए इसके, ये यहां तक तो हम आ गए। इसके बाद सुरीति और सुरित आई टी आई 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 टी और दो फॉर्मेशन बन सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, और दो फॉर्मेशन ले लीजिए। अब सबको ऐड करिए, 120 ये, 60 ये, 24, 12, और 12 दो बार है, 12 इंटू दो बार, फिर 6, फिर ये जो लास्ट वाला दो है इसको जोड़िए, आपका कुल मिला के आएगा 180 प्लस 56 236।
नेक्स्ट में है इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेट LATE बी परम्यूटेड एंड द वर्ड्स ऑफ फॉर्म बी अरेंज इन अ डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड लेट. तो लेट में फॉर्मेशन करना है और फॉर्मेशन इस तरीके से करना है कि जो भी डिक्शनरी में लिखे तो लेट या खुद का खुद अपना शब्द कहां पर आएगा, खुद अपना शब्द कहां से आएगा. तो आप सबसे पहले समझिए कौन सा आएगा इसमें ABCD. तो ए शुरुआत में आएगा, तो ए अगर फिक्स कर दिया आपने तो बाकी बचते हैं तीन, बाकी तीन बचते हैं तो ये फैक्टोरियल 3 हो गया इसका. रिपीटेशन कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल 3 हो गया जब ए से स्टार्ट करेंगे. ABCDE, अब ई आएगा, बाकी तीन बचते हैं 1, 2, 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 आ गया. ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद ABCDE EFGHIJK L, अब आप L आएगा. अब जो वर्ड L से शुरू होगा, अब जो वर्ड L से शुरू होगा उसके बाद आपके पास क्या होगा, देखिए L के बाद कुछ शब्द आएंगे. नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विथ जो L से शुरू होगा उसके बाद भी 1, 2, 3 आपको फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा. लेकिन इन फैक्टोरियल 3 वर्ड्स में जो कि 3 to the 6 होंगे इसमें कहीं ना कहीं लेट आने वाला है. L आपने फिक्स कर दिया, इसके बाद जो 3 है ये कुल मिला के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6. लेकिन कहीं ना कहीं LAT भी आ रहा है. तो अगर फर्स्ट वर्ड अगर आपका L है और नेक्स्ट वर्ड आपका ATE आ रहा है, ATE, तो L उसके बाद A ही आएगा और उसके बाद TE. ये E जो है ये इसके पहले होना चाहिए LAET. क्यों? ABCDE HIJK LMNOPQ RST ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा इसके. उसके बाद आएगा LA फिर ABCDEFGHIJK LMNOPQ RST क्योंकि यहां E पहले आ गया, अगली बार TE, ये वाला फॉर्मेशन किया. इसका मतलब हमने अगर LA फिक्स कर दिया तो यहां दो फॉर्मेशन बनते हैं. जब LA फिक्स कर दिया तो दो फॉर्मेशन बनते हैं और दो फॉर्मेशन बनते ही आप देखेंगे कि ये फैक्टोरियल 2 हो गया, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी है और इस दो को हम यहां जोड़ेंगे. तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 और 6 और साथ में 2, 12 और 2 मिलके हो गए 14. आपको केवल ये समझना है कि डिक्शनरी में कैसे शब्द दिखाई देंगे. हम ए ई एल तक तो आप आ गए, ए के सारे ले लिए, एल ई के सारे ले लिए. लेकिन जब आप एल पे आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एल के बाद क्या आएगा. अगर एल को फिक्स कर दिया, एल के बहुत सारे फॉर्मेशन बनने हैं तो एल में सबसे पहले तो ए आएगा ना. तो ए एल ए फिक्स कर दीजिए, एल के बाद ये तो या तो ई टी आएगा फिर टी आएगा, है ना, ई टी आएगा टी आएगा. लेकिन ई की रैंक ज्यादा है, ए बी इनको भूल जाइए, इनको देखिए ABCDE, ई पहले आएगा टी बाद में आएगा, तो एल ए ई टी एल ए टी के ऊपर रहेगा. तो इसलिए हमने ये दो फॉर्मेशन लिए, फैक्टोरियल 2 यानी कि एल ए फिक्स किया, दो फॉर्मेशन है फैक्टोरियल 2 इसको लिया और फिर इसमें जोड़ दिया तो 12 + 2 = 14 आएगा. नेक्स्ट वाला इसमें इन द लेटर्स ऑफ लेटर्स आर रिटन आउट इन अ डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द मदर. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक शब्द है मदर, MOTHER, इसमें 6 लेटर्स हैं. अब इनके सारे फॉर्मेशन लिख दिए गए, आपको बताना है मदर किस जगह पे आएगा. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मदर कैसे आएगा. इसमें इस पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ लीजिए, क्योंकि जो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं इसको, जो डिक्शनरी में होता है. सबसे पहले क्या आने वाला है आपका, ABCDE, ई आएगा, EFGHI, H आएगा, HIJKLM, M आएगा, LMNO, O आएगा, LMNO, R, PQST, T आएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई से शुरुआत करते हैं. अब ई अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें बाकी बचते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, या 5P5, ये पहला हो गया. फिर ई का खत्म हो गया, ई हटा दीजिए आप. अब आप आएंगे एच पे, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 के फॉर्मेशन बनेंगे, 5 के अरेंजमेंट कोई क्या क्या हो सकते हैं. अगर एच फिक्स कर दिया आपने तो फैक्टोरियल 5, 5P5 ये भी हो गया. अब आइए एम पे, अब यहीं पे आपको मदर मिलने वाला है, यहां पर मदर मिलने वाला है. लेकिन एम के साथ सबसे पहले क्या आएगा, ई, एम ई, अब कितने बचे, 4, 1, 2, 3, 4 फॉर्मेशन हो गया इन चारों का, फैक्टोरियल 4 यानी कि 4P4, एम ई हो गया. अब एम एच पे आइए, 1, 2, 3, 4 फिर से फैक्टोरियल 4 यानी 4
P4, MH पे आ गया, M ऑलरेडी है, अब MO पे आएंगे, MO, लेकिन इस MO पे ही आपको मदर मिलने वाला है, तो MO पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, MO के साथ आएगा सबसे पहले E, 1, 2, 3, ये हो गया फैक्टोरियल 3, फिर MO फिक्स कर दिया, अब E के बाद H फिक्स करिए, कितना बन रहा है 1, 2, 3, यानी कि फैक्टोरियल 3, फिर MO, MO है तो R आएगा, 1, 2, 3, फैक्टोरियल 3 हो गया है। अब MO के बाद अब T आने वाला है, MOT आ गया, MOT हो गया, अब शुरू फिर से शुरुआत करिए E से, E क्या बना 1, 2, फैक्टोरियल 2, दो ही पोजीशन है, लेकिन अब MOT E हो गया, अब H पे आइए आप, लेकिन H के बाद क्या मिलेगा आपको, अगर MOTH को मैं फिक्स कर देता हूं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको यहां दो चीजों में या तो RE मिलेगा या ER मिलेगा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा ऊपर है, E पहले आता है कि R पहले आता है, ER, यानी ये पहली पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, तो कितना हुआ फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, 120 दो बार, प्लस 24, 24 दो बार, प्लस 6, 6, 6 तीन बार, प्लस 2, प्लस 1 ये कितना हो गया 309, ऐसे आएगा ये। नेक्स्ट है इसमें, इन द परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई टेकन ऑल टूगेदर बी रिटन डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज इन डिक्शनरी एंड नंबर्ड, फाइंड द रैंक ऑफ द परम्यूटेशन डी ई बी ए सी, तो डी कब आएगा, पहले ए बी सी जब खत्म हो जाए तब आएगा ना, तो ए यहां पर फिक्स कर दीजिए, ए फिक्स कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितने हो गए, 4 पॉसिबल हो गए, 1, 2, 3, 4 तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, बी पे आइए, 1, 2, 3, 4 बी फिक्स कर दिए, ए के सारे कॉम्बिनेशन, ए के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो गए, अब बी जब आएगा तो सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कितना हो गया फैक्टोरियल 4, सी पे आइए, 1, 2, 3, 4 सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए फैक्टोरियल 4, ये सब फैक्टोरियल 4 आया 4P4 से, अब आइए आप डी पे, ये जगह आइए डी पे, अब डी में सबसे पहले क्या आने वाला है, अगर ABCD ये देखें तो डी में सबसे पहले ए आएगा साथ में, तो यहां पर बना आपका 1, 2, 3 तीन पोजीशन, ये हो गया फैक्टोरियल 3, फिर डी के बाद जब ए, डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन हो गया, ए के बाद क्या आना है बी, बी 1, 2, 3 ये हो गया फैक्टोरियल 3, अब डी के बाद आप सी लाइए, सी ये क्या हो गया 1, 2, 3 फैक्टोरियल 3 हो गया, अब डी के बाद जब जी सी भी हो गया आपके पास तो डी आना है, अब डी ई तो ठीक है, डी जैसे आप आएंगे तो अब डी ई के बाद सबसे पहला क्या आएगा ए, ए हो गया, तो दो जगह बची, अब दो बचा जो दो जगह बची फैक्टोरियल 2 हो गया, डी ई ए के बाद डी ई ए हो गया, यहां पर अब अगला जो आने वाला है वो आएगा आपका डी ई बी, एक एक खत्म कर दिया ना आपने, डी ई बी, डी बी पे आइए, अब डी बी के बाद क्या आ सकता है, या तो ए सी आ सकता है, या ए सी आएगा या सी आएगा, इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले ए सी आएगा ना, तो ए सी ये आपका 1 हो गया, पहली पोजीशन पे आएगा, तो 4, 4, 4 यानी कि 24, 24, 24 तीन बार मल्टीप्लाई करिए, फिर आया 3, 3, 3 यानी कि 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6 ये तीन बार मल्टीप्लाई करिए, फिर ये 2 हो गया, 2 लीजिए और 1, 1 तो 3 × 24 3 × 6 2 और फिर 1, ये आपका 93 पोजीशन पे रहेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 6 प्लस साइंस है एंड 4 नेगेटिव साइंस कैन बी अरेंज इन अ लाइन सच दैट नो टू माइनस साइन ऑकर टुगेदर। ऐसा बनाना है इसको कि प्लस माइनस का फॉर्मेशन ऐसा होगा कि दो नेगेटिव एक साथ कभी नहीं आने हैं, दो नेगेटिव एक साथ कभी नहीं आने, क्योंकि प्लस साइंस किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, कुल मिला के 6 है, तो 6P6 तो प्लस साइंस साइन का अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 6, लेकिन ये है भी तो 6, रिपीटेशन है, 6 बार रिपीटेशन होगा प्लस का, तो फैक्टोरियल 6 यानी कि केवल एक तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, मतलब ए प्लस 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 ये एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं, सारे आइडेंटिकल है।
अब हमारे पास क्या है, अगर हम 6 को ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्लस ले लिए, अब नेगेटिव कभी भी साथ में नहीं आना है, तो पोजीशन कितनी बनी, ये वाली एक, दूसरी ये पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये 7 पोजीशन है जिसमें नेगेटिव रखे जा सकते हैं। तो 7 पोजीशन नेगेटिव के लिए हो गई, नेगेटिव साइन के लिए, लेकिन है कितने, ये 4 ही तो है, तो 7p4 ये हो गया, लेकिन ये हो गया फैक्टोरियल 7, नो फैक्टोरियल 7p4 सॉरी, लेकिन 7p4 करते ही आप देखिए कि ये है कितने, ये तो नेगेटिव कितने हैं, 4 रिपीटेड है, तो आपको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड भी करना पड़ जाएगा इसको, तो 7p4 हुआ फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, इसको पहले ऊपर ले जाइए, ये ऊपर ही रहेगा, फैक्टोरियल 7p4 बाय 7, ये आपका फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो यहां पर ये बनेगा 35, तो 35 ये हो गया, एक फॉर्मेशन इसका हो गया, तो 35 × 1, ये प्लस के लिए हो गया 1 जो मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव के लिए हो गया 35 × 1 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट ऑल्टर, दो इसमें सवाल पूछे गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को लिखते हैं, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट हो गए, ये पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, तो कुल मिला के 12 लेटर्स हैं आपके पास, इसमें क्या क्या रिपीटेशन है, आई जो है 2 बार है, टी 2 बार है, ई 3 बार है, बाकी और भी है, बाकी सब एक एक बार है। अब इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, ई 3 बार है, 3 वॉवल हो गए, आई 2 बार है, और ए 3, 4, 5, 6 वॉवल्स हैं इसमें, 6 वॉवल्स हैं, अगर 6 वॉवल हो गए तो बाकी कितने बचते हैं, 12 में से 6 कॉन्सोनेंट्स हो गए, 6 वॉवल 6 कॉन्सोनेंट्स। पहली चीज पूछी गई है कि द वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवल के लिए कौन कौन सी जगह होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 12 मतलब 6 पोजीशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन हो गई और 6 वॉवल है, तो 6p6 तो इनका अरेंजमेंट होगा वॉवल का। अब वॉवल में रिपीटेशन क्या क्या है, आई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, ई 3 बार है फैक्टोरियल 3 कर दीजिए, यानी कि हो गया फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये हो गया वॉवल्स के लिए। अब कॉन्सोनेंट्स आते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने आपके, 6 ही कॉन्सोनेंट है, बाकी जो 6 जगह पे इसको कैसे रखेंगे, फैक्टोरियल 6, 6p6, क्या कॉन्सोनेंट्स में कोई रिपीटेशन है, हाँ टी 2 बार है, ये आपको आ गया कॉन्सोनेंट्स के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको ये फॉर्मेशन मिल जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 ये आ गया कॉन्सोनेंट्स के लिए, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आपका आ गया वॉवल्स के लिए, तो ये आ गया 21600। अगला जो सवाल है वो कहता है कि इसमें द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट ऑकर। अब अच्छी बात ये है इसमें कि अब देखें, ये वॉवल है आई, ये वॉवल है ई, ये वॉवल है ई, ये वॉवल है ई, ये है वॉवल और ये वॉवल, तो इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉवल्स है, 6 वॉवल है तो 6p6 अरेंजमेंट इनका, लेकिन अब इनमें कितने रिपीटेड है, वही फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आई और ये रिपीटेड है, ये तो इसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये कॉन्सोनेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉन्सोनेंट्स है फैक्टोरियल 6 और इसे रिपीटेड क्या है टी फैक्टोरियल 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, रिलेटिव पोजीशन हमने चेंज नहीं की है, 21600 आएगा। अगला जो सवाल है उसमें है द लेटर ऑफ द वर्ड जेनिथ आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल इफ ऑल दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ, यानी जेनिथ वर्ड डिक्शनरी में अगर आप लिखें जेनिथ के कॉम्बिनेशन का तो वो किस नंबर पे आएगा, रैंक क्या होगी। अगर मैं जेनिथ लिखूं, जेनिथ का मतलब होता है टॉप,
पीक। अगर इस जेनिथ को लिखा जाए और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ई सबसे पहले आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये आ गया, अब हमको जेनिथ चाहिए, जेनिथ आएगा आखिरी में, सबसे पहले हम ये सब कंप्लीट करेंगे तब जेड में आएगा। इसका मतलब सबसे पहले ई हो गया, ई को फिक्स कर दीजिए। अब क्या जगह बचती है, पांच, एक दो तीन चार पांच, जब पांच जगह बच गई फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, पांच जगह है, पांच आपके पास लेटर है, तो 5P5 यानी कि फैक्टोरियल 5 तरीका हो गया इसका। अब आइए आप एच पे, एच पे, एच पे आएंगे, फिर से वही एक दो तीन चार पांच फैक्टोरियल 5। अब आप आइए आई पे, आई पे आ जाइए, एक दो तीन चार पांच, ये भी फैक्टोरियल 5 5P5। फिर आप आइए एन पे, एन के बाद चार, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर है। सबसे पहले हर बार हमको देखना पड़ेगा कि पहले ई आए, हर बार जब भी कॉम्बिनेशन लेंगे पहले ई आएगा सबसे पहले, फिर बाद में बाकी आएंगे, जैसे पहले एच आएगा फिर बाद में आई आएगा। तो एन लिया हमने, ये भी पांच हो गए, विक्टोरियल 5 हो गया, एन हो गया, टी भी ले आइए, टी ले आइए, एक दो तीन चार पाँच, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5, यहाँ तक आ गए। अब आ गया जेड, अब इसके बाद जेनिथ आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले आप देखिए जेड ई, जेड ई लाए, जेड है आप फिक्स कर दिया, ई आएगा पहले। अब जेड ई में आपको जेनिथ मिलेगा, है ना, जेड ई में जेनिथ मिलने वाला है, लेकिन जेड ई के साथ आप क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले जेड ई के साथ क्या आएगा, एन तो नहीं आएगा अभी, जेड ई के साथ पहले तो एच आएगा ना, तो जेड ई के साथ एच आ गया, तीन जगह बच गई, एक दो तीन, ये हो गया फैक्टोरियल 3, एच हो गया। अब आई आएगा, जेड ई आई, एक दो तीन, ये बनेगा फैक्टोरियल 3। अब जेड हो गया, जेड के साथ ई के साथ एच कर लिया, एच के साथ आई हो गया, एन हो गया। अब आपका टी, टी, तो अब इसमें देखिएगा कि क्या जेनिथ के बाद जेड ई आई एन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए, जेड ई एन आई, आई के बाद एन आएगा, तो जेड ई एन। लेकिन आप यहां रुक जाएं, अभी जेड एन ई एन के बाद अब आप शुरुआत करेंगे, यहां तक हो गया ना आई तक, एच के बाद आई उसके बाद एन, अब रुक जाइए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जेड ई एन के बाद फिर से शुरुआत करेंगे, यहीं से जेड ई एन के बाद फिर से शुरुआत करेंगे। तो ई तो है एच, सबसे पहले एच लाइए, यहां पे दो जगह बची, कितना हो गया फैक्टोरियल 2, जेड ई एन एच। अब एच के बाद क्या आने वाला है, ये दो हो गए ना, जेड ई एन एच। अब जेन नित, एच के बाद आपका आएगा आई, जेड ई एन आई, अब यहीं रुक जाइए आप, क्योंकि जेड ई एन आई के बाद दो फॉर्मेशन बन सकते हैं, दो फॉर्मेशन क्या बन सकते हैं, जेनिथ या तो टी एच आएगा या एच टी आएगा, कौन सा पहले आना आएगा पहले बताइए, कौन सा पहले आना चाहिए, एच आना चाहिए पहले कि टी आना चाहिए, एच टी आएगा ना, तो ये पहले एच टी आएगा, ये एक हो गया, इसके बाद आएगा जेड ई एन आई, टी हो चुका, ये जेड ये आई है, जेनिथ आई है, जेड ई एन आई एच टी हो गया, अब जेड ई एन आई टी एच, अब आ गया ये, तो ये आपका हो गया, ये दो, एक दो, मतलब ये दोनों मिला के दो हो गए। तो क्या बना आपका, एक दो तीन चार पांच, पांच बार फैक्टोरियल 5 यानी पांच बार 120 प्लस फैक्टोरियल 3 होता 6, दो बार फैक्टोरियल 3 यानी कि 2 6, ये हो गया जेड ई एन एच के टू फॉर्मेशन, दो प्लस, अब ये वाले फॉर्मेशन जब लास्ट में आए हम तो एच टी के बाद टी एच आएगा, तो ये दो हो गए, मतलब यहां से गिनेंगे ना आप, तो यहां से गिनते चलेंगे 1 से लेकर, तो ये आएगा 616 नंबर पे, 616 को जोड़ेंगे 616 आएगा। सो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।